Assalamualaikum. This is Trend Posting and welcome again to our video. So today we will be going to make a different kind of video. It's a reaction video on the Operation MBBS season 2 starting from episode 1. So I hope you will like it. A big thanks to DICE Media for allowing us to use this clip for our video and also giving us permission to make a reaction video on this. सो बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हाउ कैन वी रिलेट आवर मेडिकल लाइफ एंड आवर स्टडीज़ विद दिस सीरीज़ आल्सो द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मेडिकल लाइफ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली सो लेट्स स्टार्ट विद इट आल्सो वन मोर थिंग जब ऑपरेशन एमबीबीएस सीज़न 1 आया था सो आई वॉज डन विद द एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकिन अभी कॉलेज हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था तो तब मैंने सीज़न 1 देखा था और वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया था उसके बाद क्योंकि वो नए नए हम डॉक्टर्स भी बने थे लाइक नया नया एडमिशन हुआ था तो और फिर ये मेडिकल रिलेटेड सीरीज़ आई तो काफ़ी हद तक जो है ना वो मुझे अच्छी लगी और जब फर्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ तो आई कुड रिलेट मैनी ऑफ द थिंग्स विद माई एक्चुअल फर्स्ट ईयर लाइफ तो अभी जो सीज़न 2 आया है आई गेस कि सेकेंड ईयर एमबीबीएस का ही दिखाया जा रहा है सो देखते हैं कि इसकी बहुत सी चीज़ें हमारे मेडिकल स्टडीज़ और मेडिकल लाइफ से कैसे रेलेवेंट है सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द थम्स अप शेयर करें दोस्तों के साथ और अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड्स को भी दिखाएं उनको भी बताएं कि मेडिकल लाइफ हमारी कैसी होती है और हाउ दोस नॉन मेडिकल्स कैन रिलेट विद दिस सीरीज़ तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी सो लेट्स स्टार्ट इट So these are basically the PPEs and the protection kit for the doctors and I guess a patient has died and they have wrapped the body in it. अच्छा wrapping इसलिए की जाती है because अगर COVID patient मतलब डिकीज़ हो जाता है तो स्टिल वायरस उसके अंदर होता है तो डॉक्टर्स पूरे PPE के साथ जो है उसको लेके जाते हैं डेड बॉडी को और attendants and the family members are not allowed to go near the dead body because virus उसके अंदर होता है so these are the main characters I guess someone very near and dear to them have just passed away I guess seeing their tears in their eyes I must say the actors have done a really good job बिल्कुल जिस तरह उनके इमोशंस वगैरह इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि हमारे जो है प्रेप्स चल रहे थे फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स के एंड वी हैवंट सीन एनी क्लोज पर्सन डाइंग फ्रॉम कोरोना और वी हैवंट सीन एनी as critically ill or serious COVID patient yet being a medical student but one of our third year MBBS currently fourth year lekin last year third year thi so one of the student have died of corona aur wo hamare bilkul college ke sath jo attached hospital the udhar hi admit the he was wrongly diagnosed lekin baad mein pata chala ki unko COVID hai lekin ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना उनका कम हो गया था तो प्रीवियस डे पे वो एडमिट हुए एंड द नेक्स्ट डे वी रिसीव द न्यूज़ डेट डेट स्टूडेंट हैड पास्ड अवे तो बहुत ज़्यादा हॉस्टल में भी गंदी सिचुएशन हो गई थी ऑलमोस्ट सभी रो रहे थे स्पेशली जो हमारी थर्ड ईयर थी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन हो गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बैचमेट भी थे उनके साथ उनका टाइम स्पेंड हुआ था और ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज क्राइंग द टीचर्स वर क्राइंग तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो काइंड ऑफ इमोशनल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था और न किसी से पढ़ा जा रहा था ना किसी से खाया पिया जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन हो गई थी। तो कोविड इज़ नॉट अ जोक। पहली बात तो ये है कि सबको हो रहा है और जो बहुत क्रिटिकली इल होते हैं और जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो फैमिली मेम्बर्स और जो दोस्तों पे या जो उनके करीब लोगों पे गुजरती है वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है और हम लोग जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल मजाक में ले लेते हैं। तो इस सीन में भी यही दिखाया जा रहा है कि आई गेस कोई काफ़ी करीबी बंदा है, स्पेशली ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एंड डेड पर्सन हैज़ जस्ट डाइड एंड द सिनेरियो इज़ क्वाइट इमोशनल। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ऑलराइट, तो एपिसोड 1 इज़ हनीमून पीरियड। और हनीमून पीरियड जो है बेसिकली इंडिया में जो सेकेंड ईयर MBBS होता है उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज एंड काइंड ऑफ द चिल फेज, जिसमें आप इंजॉय भी कर सकते हैं, हर किस्म के इवेंट्स में भी आप जा सकते हैं। तो आई गेस इसलिए जो है सेकेंड ईयर MBBS को जो है वो हनीमून पीरियड कहा गया। जबकि पाकिस्तान में सेकेंड ईयर MBBS इज़ क्वाइट टफ, काफ़ी ज़्यादा कोर्स होता है। इसमें न्यूरो एनाटमी सारी पढ़ाई जाती है, हेड एंड नेक, और काफ़ी गंदी सिचुएशन होती है। हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है वो काफ़ी चिल होता है कि उसमें हम अगर आखिरी 2-3 मंथ्स में भी पढ़ें तो कोर्स हो जाता है, बाकी जो है पूरा साल इवेंट्स और इन चीज़ों में गुजरता है। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े यार, तुम दोनों किसी और को जाके ढूंढो ना। तो मांग लिया तो दे रहा हो गया, ये तो वही बात हो गई, रुमाल हट गई तो सीट मेरी। मैं रुमाल ही पेंसिल रखती हूं। हां वो वाली पेंसिल है जिसके पीछे इरेजर लगा। बस स्टॉप इट, तुम दोनों किसी और को जाके लगे यार, हर बार झगड़ा क्यों करती हो और झगड़े कराया यार तुम। अच्छा, जब जूनियर्स नए नए आते हैं तो दे मेक श्योर कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो अपने सीनियर से जो है ना ऑन द वेरी फर्स्ट डे ले लें, इससे पहले कि कोई और अप्रोच कर जाए सीनियर को और वो उनके हाथ से वो चीज़ चली जाए। तो हमारे जब जूनियर्स आए तो आई रिमेंबर के द वेरी फर्स्ट डे दे केम टू आवर रूम एंड दे वर आस्किंग फॉर द डॉक्टर नजीब लेक्चर्स एंड दे वर आस्किंग फॉर द प्रैक्टिकल नोटबुक्स एंड आवर नोट्स वगैरह वगैरह। तो हमें थोड़ी सी हंसी भी आई कि अभी अभी हम प्रॉफ से फारिग हो रहे हैं, तुम लोग फिर हमसे किताबें निकलवाओगे। तो फिर ये कि बंदा एक दफ़ा कमिटमेंट किसी एक जूनियर के साथ कर देता है, लेकिन अगर वो चीज़ किसी और जूनियर को दे दें तो वो भी काफ़ी मसला क्रिएट हो जाता है। लेकिन खैर वी ऑलमोस्ट गेट रिड ऑफ आवर प्रैक्टिकल नोटबुक ऑन द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर प्रॉफ्स वर डन। तो बस हमने भी बांट दी हैं चीज़ें सब कुछ। मैम तुमसे बात कर रहे हैं यार, वेंकट नाराज हो गया हमसे, इस बार हम तुम्हारे लिए ग्रीन बिस्किट। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है कि ही इज़ ऑनिंग द प्रॉपर बॉन्ड सेट। मोस्टली ऐसा नहीं होता बिकॉज द एक्चुअल बॉन्ड सेट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लैक्स में उसकी कीमत जाती है। तो वी हैव सेपरेट बॉन्ड्स इन आवर बॉन्ड ऑफिस एंड देन हम वो एक एक बॉन्ड इशू कराते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्वाइट डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन वी आर अलाउड टू इशू 1 बॉन्ड एट अ टाइम, ठीक है, और वो भी एट द एंड ऑफ सेशन हमें उसको वापस करना पड़ता है, अगर ना किया तो फाइन होता है। पूरा का पूरा बॉन्ड सेट जो है ना कोई ऑन करता है और ना ही कॉलेज वाले हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बॉन्ड सेट जो है अरेंज करते हैं। एनाटमी म्यूज़ियम में जो है हमारे बॉन्ड सेट्स पड़े होते हैं पूरे के पूरे, इसमें अगर किसी को समझना हो तो वेल एंड गुड, वहाँ पे जो जाके समझा जाता है। अच्छा, तो हमारे जब प्रॉफ्स हो रहे थे तो प्रॉफ में जब हमारी एनाटमी का जब वाइवा था तो उसमें हमने ऐसे किया था कि बीइंग अ हॉस्टलाइट, मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ग्रुप स्टडी किसी भी टाइम कर सकते हैं, रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी, ठीक है। तो ऐसा था कि जब हमारा एनाटमी का एग्ज़ाम होना था तो हर स्टूडेंट के पास एक एक बॉन्ड था, तो वो ग्रुप्स सब ने बनाए हुए थे अपने अपने स्टडी ग्रुप। तो एक ग्रुप के पास अगर फॉर एग्जाम्पल हिप बॉन्ड थी तो दूसरे ग्रुप के पास जो स्केपला था, ठीक है, तीसरे के पास ह्यूमरस था, चौथे के पास फीमर था। तो वो हर ग्रुप जो है एक एक बॉन्ड पड़ा था, फिर वो नेक्स्ट ग्रुप को हम देते जा रहे थे और उनसे हम दूसरा बॉन्ड ले लेते थे। तो इस तरह जो है ना हमने बॉन्ड्स को यूटिलाइज़ किया और एंड मोमेंट पर हमने उसको उस पर जो है ना हमने तैयारी की थी। दोस्त ना कभी खरीदे नहीं जाते, सिर्फ बनाए जाते। अच्छा, ये वैसे काफ़ी मज़े की बात इस बंदे ने की है कि दोस्त कभी खरीदे नहीं जाते, हमेशा बनाए जाते हैं। तो इस बात की डेप्थ जो है वो आप सबको पता होगी। यार वेंकट ऐसे मत करो यार, क्या तुम और ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम तीनों प्रॉमिस करो कि तुम मिलकर वेंकट के साथ पढ़ोगे और एक दूसरे को पढ़ाओगे। अच्छा, MBBS में स्पेशली एनाटॉमी के लिए ग्रुप स्टडीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो, थोड़ा सेल्फिश होकर पढ़ रहे हो, तो इसमें आपका नुकसान है। जितना आप ग्रुप में पढ़ोगे, जितनी ग्रुप स्टडीज़ करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। जितना आप दूसरों को समझाओगे या दूसरा आपको समझाएगा, वो चीज़ें उतनी ही आपके लिए आसान होती जाएंगी। प्लीज़ खिलाते रहना, ठीक है। ऑलराइट, तो मोस्टली जो है सीनियर्स को जो है मैम या सर कह के बुलाया जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ स्टार्टिंग के डेज में। हमारे यहाँ ऐसा सीन होता है कि हम लोग जब रैगिंग या फूलिंग कर रहे होते हैं तो वी आस्क द जूनियर्स टू कॉल अस मैम और सर, ठीक है। और वो भी जो है ना हमको बुलाते हैं, तो शुरू में हम काफ़ी रौब जाटते हैं उनको, हम काफ़ी तंग करते हैं, काइंड ऑफ थोड़ा डराते हैं। लेकिन द वेरी नेक्स्ट वीक जो है हम उनको कहते हैं कि भाई बस नो मैम नो सर, बस हमें बाजी आप ही कह के बुलाओ। एंड देन वो हमारा एक फ्रेंडली इंटरेक्शन जो है वो फिर डेवलप हो जाता है। हंसी मजाक और सब कुछ हम जूनियर्स के साथ करते हैं। लेकिन शुरू में डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो है ना रैगिंग होती है, बट इट इज़ नेवर ऑफेंसिव, आई मस्ट से। वो रैगिंग या फूलिंग ऐसा होती है कि हम लोग जो है ना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं ताकि हमारे जूनियर के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन हो। लाइक हमने डांस करवा लिया, हमने उनसे गाना, उनको कहा कि आप गाना गा दें, या थोड़े बहुत जो है ना डेयरिंग टास्क हम दे देते हैं। लेकिन ऑफेंसिव रैगिंग नहीं होती, और जहाँ जहाँ ऑफेंसिव रैगिंग होती हैं तो आई एम अगेंस्ट इट। पिंक सेल्स दिख रहे हैं। So I guess the history of pathology class is going on. कितने सेल्स? 4। हुमा, स्लाइड नंबर कौन सा देखना है? 4। अरे हुमा, 2 और 2 कितने होते हैं यार? आई नो तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे तो खुद। अच्छा, बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि हुमा इज क्वाइट अ स्टूडियस पर्सन, पोजीशन होल्डर है, और फर्स्ट MBBS में आई गेस शी स्टूड 4th, बट शी वांटेड टू टॉप या 4th, मतलब शुरू से 4th, तो ये 4th का एक लेबल इस बंदी के साथ जो है वो लग गया है। सो हर फ्रेंड्स आर टीसिंग हर, लेकिन बाद में यही चीज़ जो है ना इसको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल देती है, क्योंकि हुमा इज़ काइंड ऑफ गर्ल जिसके ऊपर जो है मदर की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है पढ़ाई का। ख़ुद भी ये काफ़ी ज़्यादा पोजीशन कॉन्शियस वीकेंड से के होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है इस बात का स्ट्रेस ले लेती है। अच्छा, हिस्टोलॉजी में ऐसा होता है या पैथोलॉजी की जो स्लाइड्स होती हैं, तो इसमें आपको चीज़ें क्लियर नहीं होता, आपको नहीं नज़र आ रहा होता क्या क्या बना होता है। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि लाइक वी गो टू द लैब, हम स्लाइड बस देख के उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं, या एक ही बंदा जो है वो पिक्चर ले लेता है और ग्रुप में शेयर कर देता है। बाकी वी डोंट केयर इसमें बना क्या है क्या नहीं। बस फिर आखिरी दिन जो है ना हम स्लाइड्स के रट्टे लगा रहे होते हैं कि अच्छा इसमें 3 बॉल्स बने हुए हैं तो ये फलाना स्लाइड होगी, इसमें पानी ऐसे ऐसे करके जा रहा होगा, इसमें ये सीने वैसे सीने। तो हमने स्लाइड्स को बेसिकली इस तरह करके किया है। एंड हिस्टोलॉजी स्लाइड्स आर फन। बेसिक मैं तुम लोगों को बाद में मिलती हूँ, ठीक है। अरे साक्षी, चिली चीज टोस्ट खाना था यार, तो मैं हूँ ना। नहीं, हमें वो लेक्चर में जाना है, चलो बाय। ऑलराइट, सो दिस इज रमेश अंकल। ये जो है कॉलेज के कैंटीन आई गेस चलाते थे सीजन 1 में, और इनका एक बेटा था एंड ही वांटेड टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट, बट दिस रमेश अंकल, मतलब हिज फादर डिडंट अलाउ हिम। लेकिन साक्षी ने इनके बेटे को जो है काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी जो है जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, उसमें काफ़ी हेल्प की थी। और अब जो है इनका बेटा ही इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट एट AMS दिल्ली, विच इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आई एम गेसिंग कि रमेश अंकल इज़ इल एंड साक्षी इज़ बीइंग कॉल्ड। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैम, रमेश जी, डायबिटीज की गोली रेगुलरली नहीं ले रहे थे? मैम, दवाई तो रोज लेता हूँ। बस कभी कभी घुल जाता हूँ। ओके दिस इज तडीन मैम, ठीक है, मतलब रोज इंजेक्शन लेना पड़ेगा? हाँ लेना तो पड़ेगा, इंसुलिन का डोज प्लान करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके रखेंगे, रोज शुगर मॉनिटर होगी। ओके ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। डॉक्टर नीरज, स्टार्ट 4 units of premix insulin freely and start sugar level monitoring. ओके मोस्टली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि देयर इज़ अ सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर। तो जूनियर डॉक्टर जो है वो पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेता है और पेशेंट को जो है वो एग्जामिन वगैरह करता है। फिर सीनियर डॉक्टर आती हैं और वो जो है फिर सारा कुछ पूछी होती हैं फ्रॉम द जूनियर डॉक्टर के क्या सीन है, पेशेंट का रिकवरी लेवल क्या है या क्या आपने एग्जामिन किया वगैरह वगैरह। फिर सीनियर डॉक्टर जो है ना मज़ीद एडवाइस जो है वो जूनियर डॉक्टर को दे रही होती है। तो ये हर जगह हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट यही होता है। ठीक है, हम लेकर आते हैं, तुम बताओ। ऑलराइट, सो दिस इज द कैफे। ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल कॉलेज हैज सम गुड कैफे जहाँ की एक नई स्पेशल डिश जरूर होती है जो सब स्टूडेंट्स ट्राई करना चाहते होंगे। हेयरकट है जी, थोड़ा लिनन है क्या? अच्छा, यहाँ पे ये सीन दिखाया जा रहा है कि सीनियर्स का जो है वो जूनियर पे कितना रोब होता है। हमारा ऐसा सीन होता है कि मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में कि सीनियर्स जो है शुरू में ज़रूर थोड़ा सा जूनियर्स को डरा के रखते हैं, थोड़ा सा रौब झाड़ते हैं, लेकिन वैसे शुरू के दिनों में जब वो रैगिंग या फूलिंग वाले सीन्स हो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आगे जो है ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता कि जूनियर्स को डरा के रखा जाए या दबा के रखा जाए या उनको जो है डांट डबट के कोई काम इस तरह निकलवाया जा रहा है। लाइक 90% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। बाकी है कि बुलिंग वगैरह होती है या जूनियर्स को कुछ कहा जाए तो डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैनी वेज। बाय द वे तो बोनसेट बेच रहा है ना, बोनसेट नहीं वेंकट, मेरे भाई का भी नीट क्लियर हो गया। अरे क्लियर हो गया, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। सुन ना, रुक रुक, अरे उसको भी बोनसेट चाहिए, ठीक है ला दे। यार सर वो तो हमने दे दिया फूजो को, तो क्या हो गया, पूजा ही तो है, उनसे जाके बोल। ओके फूजो, असल में हम लोग जो है वी कॉल देम चूजे, चरगान, ठीक है। तो केपीके के मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे होता है। सो चरगान इज़ द पश्तो टर्म एंड उर्दू में इसको हम चूजे या इंग्लिश में हम चिकन बोल सकते हैं, कि जो नई पैदावार हमारी होती हैं। तो फर्स्ट ईयर इज़ ऑलवेज लेबल्ड एज चरगान। तो शुक्र है कि हम लोग उस चरगान के लेबल से निकल के सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो सो बेस्ट ऑफ लक टू द न्यू जूनियर्स। ठीक है, 2-4 रेस्ट दे दियो, ले आ, शाबाश। पैसों की बात नहीं है, हमने तो उन्हें ऐसे ही दे दिया। हाँ तो ऐसे ही जा और वापस लिया है ना, कचरा डाल दिया। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। समझ नहीं रहा? अबे एनाटॉमी समझा रहा है क्या, या मेरे को डम समझ रहा है? अजीब बात कर रहे हैं, हमने आपको डम कब कहा? अगर आपको चाहिए था तो पहले बोल देते ना, हम आपको दे देते, बट अब हम दे चुके, हम वापस नहीं लेंगे। हीरो बन रहा है, पहले सेकेंड ईयर में आते ही तुम लोग के पर निकल आते हैं क्या? अच्छा, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि सीनियर्स जो है वो अपना थोड़ा बहुत काम निकलवाते हैं, लाइक वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनवाना या कोई सोसाइटी वगैरह हो तो उसका कोई काम वगैरह हो। सो दे आस्क जूनियर्स टू हेल्प देम आउट, और वो पूछते नहीं हैं, वो डायरेक्ट लाइक ऑर्डर कुछ सीनियर्स देते हैं। फिर जूनियर्स हैव नो चॉइस के उनको मना किया जा सके, लेकिन सम हाउ अगर वो मना कर देते हैं तो आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़रूर आती हैं, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं दे ऑलवेज स्टे अवर सीनियर्स, चाहे और उनके साथ हमेशा पाला ज़रूर पड़ता है, चाहे वो MBBS की अंडर ग्रेजुएशन हो या आगे हाउस जॉब हो या रेजिडेंसी वगैरह हो, तो इन्हीं सीनियर्स के साथ जो है अल्टीमेटली कभी ना कभी पाला जो है वो ज़रूर पड़ता है। ओके सो दिस इज़ द 4th पर्सन इज़ द केसी भैया, who is very good friend of these three, like and he's a senior to them. KC, are you okay? I'm always awesome. और आगे भी औसम रहूँगा। अच्छा, he's a very chill person, बल्कि बहुत ही ज़्यादा चिल पर्सन है। सीज़न 1 में जिस तरह दिखाया गया कि ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, स्टडीज़ की तो इस बंदे का कोई टेंशन ही नहीं है, वेदर ही फेल और पास लाइक डजंट अफेक्ट दिस पर्सन, ठीक है। और है तो इनका सीनियर, लेकिन बार बार फेल होने से या सप्ली आने से ही स्टेइंग इन द सेम सेमेस्टर आई गेस, तो देखते हैं। चेंज हो तो व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, पर तू स्ट्रेस मत लेना, आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। इनफैक्ट मैं खुद तुझे पढ़ा दूंगी। हाँ, और आई प्रॉमिस हम लोग पूरी लाइफ फ्रेंड्स रहेंगे। हाँ। किसने बोला भाई, किसने बोला मैं फेल हो गया? नहीं भाई, कौन फैला रहा है गंदी बातें? अजनबी देखिए। हां, आंसर शीट ए, आंसर शीट बी। पाप हो गया। पाप के चक्कर में ही तो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा रिजल्ट होल्ड करा दिया यार। ओह, आई होप यू पास दिस ईयर। सो शी इज अगेन सेइंग दिस कि आई होप यू पास दिस ईयर। तो इसी से जो है ना बंदा अंदाजा लगा सकता है कि कैसी जो है वो किस किस्म का स्टूडेंट है, लाइक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। तो इसलिए जो है he has to listen this thing again and again कि I hope you pass this year, या अगर तुम फेल हो गए okay next year you will pass with flying color and so on. कर रही है बेटा। Okay, so this is the गज्जू अंकल जो इन के निशांत के बाबा के दोस्त हैं। इसकी मैगी वैगी खाते रहोगे यार अंकल, वहाँ अंडा मैगी मिल जाती है, तो चिकन मटन मिलता है, आओ खाओ और लता को भी पढ़ाओ। ऑलराइट, सो लता जो है वो इनकी गज्जू की जो है वो बेटी है एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और गज्जू के इंटेंशंस जो है वो काफ़ी क्लियर हैं कि वो निशान को इतना लाड प्यार क्यों दे रहे हैं। द रीज़न इज़ कि ही वांटेड हिम टू टीच हिज डॉटर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये चाहते हैं बेटा बिजनेस को। Okay, it's really awkward जब आप इस तरह किसी relative के घर बैठे होते हैं and so the conversation is about to begin between Lata and this boy. Lata travels. पापा बहुत जोर डाल रहे हैं ना MBBS के लिए। नहीं, मुझे अच्छा मोस्टली इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है कि प्रेशराइज किए जाते हैं MBBS के लिए या बंदे की जो है ना, क्योंकि MBBS जो है वो काफ़ी हाई फाइव समझी जाती है दोनों कंट्रीज में, तो ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू डू इट। हमारा मैनेजमेंट कोटा से हुआ था तो हमारा रैंक वैंक नहीं आया था। तो फर्स्ट ईयर MBBS में आपकी कितनी रैंक आई? Alright, so the one who asked the mass, I literally had such kind of people. लाइक बस पास हो रहे हैं तो हो रहे हैं, आपने रैंक का मार्क्स का क्या करना है। बाय द वे रैंक्स उस तरह से आते भी नहीं है, लाइक अगर किसी प्रोफेशनल ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो मोस्टली जो है वो टॉप 3 या टॉप 5 जो है वो यूनिवर्सिटी वाले जो है अनाउंस करते हैं, बल्कि वो भी नहीं करते, वो स्टूडेंट्स खुद ही जो है वो जो टॉप 5 होते हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं सबके रिज़ल्ट देख दे के। लेकिन टॉप 5 के बाद जो है ना किसी को कोई परवाह नहीं होती कि आगे जो है 6th कौन है, 7th कौन है, 100th कौन है, 200th कौन है। तो इट डजेंट मैटर, द फर्स्ट थिंग, द फॉरमोस्ट थिंग विच मैटर इसके आप जो है वो अच्छे तरीके से पास कर जाओ। अरे अरे वो हमारे कॉलेज ने हमें रैंक बताया नहीं, हमने भी कभी पूछा ही नहीं। मार्क्स तो याद होंगे ना? अच्छा, मार्क्स वगैरह भी मोस्टली वो लोग पूछते होते हैं जो कि टॉपर्स होते हैं या आगे टॉप करना चाहते हो, ठीक है। तो बाकी ये है कि इफ़ यू हैव स्कोर रियली वेल तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप फेल हो गए, सप्ली आ गए हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये वाला सीन है। और बाकी ये कि इससे एक चीज़ ज़्यादा है कि हमारा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है। तो डू रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स के हम सब जो हैं अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाए इंशाल्लाह। 50-55% के करीब आए थे मार्क्स. सो आई लिटरली स्कोर्ड 58% इन ब्लॉक ए असेसमेंट, जो हमारे इंटरनल असेसमेंट होती है, 58% और भी बहुत मुश्किलों से, लेकिन द थिंग वाज कि आई पास्ड. Actually, I really want to crack NEET. मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती. आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि आप हमें पढ़ा पाओगे. ओके, इससे बड़ी एम्बेरसमेंट की बात जो है और कोई नहीं हो सकती कि जिस जो बंदा MBBS कर रहा हो उसको जो है एक नीट एस्पायरेंट कह रहे कि ओके यू कांट टीच मी, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट. अभी तो टर्म स्टार्ट ही हुआ है तो लाइट है. ओके, सो हुमा इज टॉकिंग टू हर मॉम. फैमिली का क्या सोचा बेटा, उस पे भी ध्यान दो. अच्छा, यू असेंबली इज बेसिकली यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, ठीक है, और ये काफ़ी टफेस्ट एग्जाम होता है. इट्स फॉर स्पेशलाइजेशन, काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन एग्जाम आप कह सकते हैं इफ़ यू वांट रेजिडेंसी इन USA एज अ मेडिकल पर्सन, ठीक है. तो 3 स्टेप्स में आई गेस एग्ज़ाम होता है और काफ़ी टफ होता है और वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली क्रैक इट एंड पास इट एंड देन गो टू USA. तो मेजॉरिटी का ड्रीम जो है वो US में होता है, अदरवाइज इट्स प्लेब और MCPs वगैरह. तो आई एम गेसिंग कि हुमा को जो है इसकी मदर की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है के शुरू से जो है उसको कहा जाता है टॉप 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 एंड नाउ शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट. यहाँ पे भी इसको कहा जा रहा है अच्छे से पढ़ो, टॉप द मेडिकल कॉलेज एंड नाउ शी इज़ प्रेशराइजिंग हर फॉर US मनी प्रिपरेशन. अमृता याद है ना, आज न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रही है. I hate this when parents compare their children with other, especially on the studies ground. तो यू शुड नेवर डू इट. हाँ, इंकरेज ज़रूर करें, एग्जाम्पल्स भी ज़रूर दें, लेकिन नेवर कंपेयर दैम एंड नेवर प्रेशराइज दैम. लेट दैम डू व्हाट दे वांट टू डू. हाँ, आप लोग जो उनको एक राइट पाथ ज़रूर दिखाएं, लेकिन बहुत प्यार से, बजाय इसके कि आप उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालें. स्टार्ट हुआ है अभी से. कौन US MBA की प्रेपरेशन करता है? दिस इज टू US MBA प्रेपरेशन बेसिकली 4th फाइनल ईयर में ही मेजॉरिटी लोग स्टार्ट करते हैं. तैयारी शुरू कर देगी तो अच्छा है ना, ये आसान हो जाएगा. अच्छा, मैं सोचूंगी इसके बारे में. सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस के शी इज बीइंग प्रेशराइज्ड. ख्याल रखो, ओके, गुड नाइट. वन मोर थिंग के when you're hostelite you're already going through many tough phases, ठीक है. एक तो होम सिकनेस होती है, बाकी कोई मसला हो जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हॉस्टल में सारे सेम लेवल पे होते हैं, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन से जा रहे होते हैं क्योंकि सभी घर से दूर होते हैं और कोई मसला होता है यू देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. लेकिन फ्रेंड्स भी कभी कभार आपको संभाल नहीं पाते, ठीक है. स्पेशली ऐसा मौका आता है कि जब आप हॉस्टल में हो और आपके रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए तो सारे तकरीबन स्ट्रेस में होते हैं. अगर किसी का जो है गॉड फॉरबिड बुरा रिज़ल्ट आ जाए तो इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ द अदर पीपल. फिर आपको उस तरह से कोई संभालने वाला नहीं होता. तो पेरेंट्स शुड रियलाइज दिस थिंग के व्हेन देयर चिल्ड्रन इज़ रिजाइडिंग इन हॉस्टल, सो दे शुड मेक श्योर कि उनको मज़ीद स्ट्रेस में ना डाला जाए. घड़ी में भी 4 बज रहे हैं. ऑलराइट, सीजन 4 देखा क्या? सीजन 4 एपिसोड 4. हुमा, कौन सा स्लाइड नंबर देखना है? और ये लगा चौका. और सुना तू इस बार भी 4th आई? अरे हुमा, तेरे पास अचार है क्या? 2 और 2 कितने होते हैं यार? 4 दिन लेट है आप. ए चारू, क्या चारू? माय नेम इज हुमा. All right, so she is hearing fall from everywhere. कुछ जो है ना हुमा के अपने दिमाग का फतूर भी है because she is over stressing this thing. और दूसरा है कि जब ऐसा होता है कि जब आप ओवर स्ट्रेस कर जाते हो, आप डिप्रेस कर जाते हो, तो आपको वही चीज़ें जो है वो सुनाई देती है, इर्द गिर्द जो है दिखाई देती है. तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि आई जस्ट हैड माई ब्रेसेस बट आई कुडंट ईट एनी थिंग एंड आई वॉज इन हॉस्टल और ऐसा हो रहा था कि एक तो ये था कि मेरे सामने मेरे दोस्त वगैरह जब खाना खाते थे, स्पेशली जब अच्छा खाना खाते थे, पास्ता, मैक्रोनी, बिरयानी वगैरह, तो मुझे उसका काफ़ी गुस्सा आता था। एंड आई आस्क्ड देम कि मेरे सामने कोई चीज़ नहीं खानी, बिकॉज फूड इज़ लाइफ एंड व्हेन आई कांट ईट फूड तो मेरे सामने जो है आप लोग नहीं खाओगे, ये वाली चीज़ हो गई। खैर वो लोग तो मना हो गए थे, लेकिन ऐसा हो रहा था कि मैं कोई ड्रामा देख रही यूट्यूब पे या कोई मूवी वगैरह देख रही, तो उसमें भी डाइनिंग टेबल वाले सीन बार बार आता था, या किचन सीन होता था, या खाने का सीन होता था। जंक फूड्स के एड्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे और उस पर जो है ना मुझे काफ़ी गुस्सा आता था। एंड आई स्टॉप्ड वॉचिंग ड्रामाज और मूवीज़। उसके बाद जब फेसबुक पर मैं देखती थी, उसमें भी खाने की चीज़ें 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 आ रही थी, तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि आई स्टॉप यूजिंग मोबाइल फॉर फ्यू डेज़ के मेरे सामने वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ पे ओवर स्ट्रेस होता हो या आप उस पर सोचने लग जाओ, तो आपके सामने वो चीज़ बार बार आ रही होती है। इसी तरह हमारा आखिरी एग्ज़ाम था और उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ चीज़ें जो है ना मेरी गलत हो गई थी, कुछ MCQs मेरे गलत हो गए थे। And I had this instinct made in my mind कि मैं ये चीज़ें ना किसी से डिस्कस करूँगी और जहाँ पे डिस्कशन हो रही होगी वहाँ से मैं भाग जाऊँगी। लेकिन हॉस्टल जब मैं आई तो हम जब OSPI की तैयारी कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो है जाहिर सी बात है वो सामने आ रही थी, और वो जो लाइन्स भी मेरे सामने रिपीट हो रही थी या जो कुछ बोला जा रहा था या इफ़ anyone is discussing it, तो फिर वहीं पे मैंने कहा यार ये मेरा गलत हो गया था, शेट ये भी मेरा गलत हो गया था। तो जब पूरा दिन मैंने जो जो भी सुना 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 था ना, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम उनमें से मेरे MCQs जो है वो गलत हैं। और फिर रात को जो है ना मैंने ये सोचा हुआ था कि नेक्स्ट डे मैं अकेले पढ़ूंगी, ग्रुप स्टडी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने मज़ीद ग्रुप स्टडी की तो मुझे और MCQs का भी पता लग जाना है कि वो गलत होंगे। तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल आई गेस। By the way, such a beautiful hostel. Okay, her acting skills are really brilliant, I must say. और इस तरह होता है हॉस्टल में, काफ़ी लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं, पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, कभी कभार रोना आ जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीवन क्राइज वंस, एक दफ़ा ज़रूर बंदे को रोना आ जाता है। तो वही बात है कि हॉस्टल में फिर आपके पास अगर दोस्त हों भी तो वो उस तरह से आपको टैकल somehow नहीं कर पाते, then you need someone out of the zone. तो Huma will definitely refer to psychiatrist. तो let's see आगे क्या होता है। एंड आल्सो वी शुड आल्सो मेक श्योर कि हम वो चीज़ें उस बंदे के सामने रिपीट ना करें जिसकी वजह से हमें लगे उस बंदे का मूड ऑफ हो जाएगा या वो स्ट्रेस लेगा। ओके अगेन खाना सी ओ राइट। सो रमेश अंकल आई गेस के ही इज़ अनकॉन्शियस, ब्लीडिंग भी हो रही है एंड मुंह से भी झाग वगैरह निकल रही है। आखिर आकाश एम्स पहुंच गया। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एपिसोड 1। काफ़ी चीज़ें जो हैं हम रिलेट कर पा रहे हैं, फ़नी एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें भी हमने देखी। हमने डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरीज़ देखी कि हाउ हुमा इज़ डीलिंग विद हर स्ट्रेस, हाउ साक्षी इज़ डीलिंग विद रमेश अंकल, और किस तरह वो स्टडीज़ और एक पेशेंट की जो हेल्थ लाइफ है उसकी रेगुलेशन, सो वो दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं। एंड हाउ दिस पर्सन निशांत he's trying कि वो कुछ out of the box करे, so he's joining the hysteria organizing committee. तो let's see कि what episode 2 offers to us, and तब तक के लिए जो है it's a good buy. Also, if you like this video, this reaction video, so please do tell us. We will also do the reaction video on episode 2, 3, 4 and the final episode, which is I guess coming out on 7th of April 2021. And honestly, this series is worth watching. और खुशी होती है जब मेडिकल रिलेटेड सीरीज़ बनती है, स्पेशली जो हमारे अपनी लैंग्वेज में होती है, विच इज़ क्वाइट रिलेटेबल एंड अंडरस्टेबल. बाकी है कि वी हैव वॉच द गुड डॉक्टर, ग्रेस एनाटॉमी भी काफ़ी लोगों ने देखी होगी, बहुत सी चीज़ें. लेकिन अगर इंडो पाक में ऐसी सीरीज़ बनती हैं तो इट्स क्वाइट अप्रिशिएटिंग थिंग. और दूसरा है कि द क्वालिटी इज़ रियली गुड. और बाकी आई विश ऐसे हॉस्टल हमारे भी होते हैं तो मज़ा आ जाता. ओके, सो टिल देन इट्स अ गुड बाय एंड do subscribe us please and do share the video with your friends and keep watching. Bye bye.